हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो कि रिलेटेड असिस्टेंट की जॉब से, और ये जो नोटिफिकेशन है ये निकाला है आईसीएमआर ने। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम नोटिफिकेशन है वो निकाला है आईसीएमआर ने, और यहाँ पे जो पोस्ट है वो असिस्टेंट की पोस्ट, और ये जो असिस्टेंट की पोस्ट है ये ग्रुप B लेवल 6 की पोस्ट है जो कि आईसीएमआर की है। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन है PGIMER ने निकाला है, चंडीगढ़ ने। अब इस पोस्ट में जो हम बात करेंगे वो असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो ये जो असिस्टेंट की पोस्ट है ग्रुप B लेवल 6 की पोस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट है वो मेंशन कर रखी है। तो देखिए ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन PGIMER या आईसीएमआर वेबसाइट। तो यहाँ पे देखिए दो वेबसाइट मेंशन कर रखी है, एक आईसीएमआर की ऑफिशियल वेबसाइट है, दूसरी है PGIMER की ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप इन दोनों में से किसी एक वेबसाइट पे जाकर जो है अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस की। तो देखिए यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया है 7 नवंबर से। ठीक है, अब अगर बात है क्लोजिंग डेट की, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की क्लोजिंग डेट और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो टाइम लाइन विल बी 3 दिसंबर। तो यहाँ पे 3 दिसंबर जो है वो लास्ट डेट है। वहीं अगर बात करें एडमिट कार्ड की, तो यहाँ पे जो है आप जो है आईसीएमआर या PGIMER की वेबसाइट से जो है आप जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे, उसकी जो लास्ट डेट है उसकी जो डेट है वो है 21 दिसंबर 2020। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एग्जाम की। तो देखिए आप इन्होंने जो एग्जाम है वो भी डेट है वो भी मेंशन की रखी है पहले से ही। तो जो एग्जाम आपका होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और जो इसकी एग्जाम डेट है वो है 3 जनवरी 2021। और यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन किया कि जो 80 मार्क्स के जो जो होगा आपका CBT जो 80 मार्क्स का होगा उसका जो एग्जाम डेट 3 जनवरी 2021 है, बाकी का आपका जो 20 मार्क्स का है वो मे बी स्किल टेस्ट या कोई और टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट और फी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम बात करें एप्लीकेशन फी की, तो यहाँ पे देखिए अगर आप जो SC ST EWS है वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका यहाँ पे 1200 जो है आपका एप्लीकेशन फी है, और साथ ही साथ आपका जो है ट्रांजेक्शन चार्जेस भी यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा। वहीं अगर बात करें हम अदर कास्ट के लिए या अगर बोले अदर कैटेगरी के लिए, चाहे जनरल हो चाहे OBC हो, तो वहां पे जो है आपका जो एप्लीकेशन फी है वो रहेगा 1500, इसके साथ आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन चार्जेस भी एप्लीकेबल रहेंगे। अब आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, तो पेमेंट आप कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग का यूज करके जो है आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उसकी फी को पे कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप लोग को जानने जरूरी हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए इन्होंने जो डिटेल्स है वैकेंसीज की वो भी यहाँ पे मेंशन किए रखी है। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज वो 80 है, तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज है, तो टोटल यहाँ पे 80 वैकेंसीज है। साथ ही साथ इन्होंने जो वैकेंसी रिजर्व फॉर SC ST OBC EWS कैटेगरी के लिए जो भी वैकेंसी रिजर्व है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो देखिए SC के लिए 12, ST के लिए 6, OBC के लिए 21, EWS के लिए 8। वहीं अगर बात करें रिजर्व जनरल की, तो वहां पे 33 वैकेंसी। इसके अलावा PWBD के लिए 4 वैकेंसी है। तो देखिए यहाँ पे आप जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कितनी सीट्स यहाँ पे मिलेगी। अब बात कर लेते हैं और कुछ पे लेवल का। तो देखिए यहाँ पे जो ये असिस्टेंट की पोस्ट है ये ग्रुप B पोस्ट है। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द रूल यहाँ पे आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, तो आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेस पे ही आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। यहाँ पे कोई भी रिटन इंटरव्यू नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें पे लेवल की, तो यहाँ पे आपको पे लेवल 6 मिलेगा जिसमें 35,400 से 1,12,400 आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। और यहाँ पे देखिए जो एज लिमिट है वो यहाँ पे देखने वाली की नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एज जो है 30 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे आपका मिनिमम BSc या बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है MS ऑफिस पावर पॉइंट की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये दोनों जो है मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन। तो देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मेंशन किया है। तो अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वहीं अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं PWBD में 10 ईयर्स का, PWBD प्लस OBC में 13 ईयर्स का, और PWBD प्लस SC ST में 15 ईयर्स का जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। यही अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट है सिविलियन एम्प्लाई है तो आपको यहाँ पे फॉर ग्रुप A और B पोस्ट के लिए 5 ईयर्स का, फॉर ग्रुप C पोस्ट के लिए 10 ईयर्स का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं।
अब हम देख लेते कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि क्या दे रखे हैं। ये सब जो ब्लाइंडनेस के लिए हैं, डिसेबिलिटी के हैं वो तो, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो कि आप लोग के लिए जरूरी हैं। नेशनलिटी ऑलरेडी अगर इंडिया, नेपाल या भूटान के सिटीजन है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई आपको करना होगा आईसीएमआर या पीजीआईएमईआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो है आप जो है अपना ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बता दूं तो देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन आईसीएमआर पीजीआई वेबसाइट फॉर्म 7 नवंबर। तो मैंने आपके साथ ऑलरेडी मेंशन किया 7 नवंबर स्टार्टिंग डेट है और जो 3 दिसंबर वो आपकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन और फी डिपोजिशन की, ठीक है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की 3 दिसंबर 2020 है। तो ये सब जो है आप जो है वो ध्यान से बढ़िएगा, उसके बाद ही जो है अपना एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिलअप कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करें तो रिटर्न एग्जामिनेशन की, तो देखिए यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, सिर्फ एक ही लैंग्वेज आएगी जो कि इंग्लिश रहेगी। और इसमें देखिए 80 मिनट्स का रहेगा और इसमें आपको 80 एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आपको 80 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे और आपको टाइम जो है वो 80 मिनट्स का रहेगा, यानी कि 1 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये देखिए इन्होंने यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग भी रख की है, तो आपको 0.25 मार्क्स जो है पर क्वेश्चन फॉर अ रॉन्ग रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसी 80 मिनट के में आपको जो है बायोमेट्रिक टेस्ट और फोटो मैचिंग भी करना है, तो इसके लिए आपको कोई अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा। अब बात कर लेते क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो अगर आप अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा वो 50% रहेगा। वहीं अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यू बीडी से बिलोंग करते तो आपको यहाँ पे 40% मार्क्स जो है वो यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा। अब देखिए उन्होंने बोला है ग्रुप बी है, ग्रुप सी जो कि नॉन गेस्टेड पोस्ट है, इसके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट की बेस पे ही आपका जो है मेरिट बनेगा और उसके बाद ही आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए अगर रिटन एग्जामिनेशन में आप जो है यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ वैकेंसी, यानी कि जितनी वैकेंसी उसके 5 टाइम जो है, 5 टाइम्स जो है कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, उसके बाद जो है उनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद अगर आपका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में अगर आपका नाम आता है, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, साथ में साथ एक्सेल प्रटेस्ट या टेस्ट कॉपी, मार्कशीट और मैट्रिक, तो देखिए यहाँ पे जितने डॉक्यूमेंट है वो सब आपको लेना है और वो सब आपको अपलोड करना है, ठीक है, या फर्निश करना है आपको आगे की स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। आप जो भी कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्ट होंगे उनके बाद उनका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स का एप्लीकेशन सिलेक्शन है, एक तो आपका रिटन टेस्ट है, उसके बाद जो है स्किल टेस्ट भी यहाँ पे ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी की, तो देखिए ऑलरेडी हमने आपको बता दिया एप्लीकेशन फी कितनी है, तो वो तो मैंने वगैरह ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब बात करें सिटी या सेंटर, तो देखिए ये जो एग्जाम है ऑल ओवर इंडिया होगा, तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 35 सेंटर्स, यानी कि ऑल ओवर इंडिया जो भी जहां पर भी आप हैं आप वहां के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप लखनऊ में चाहे हैदराबाद में हो, आप कहीं पर भी जो है अपना सेंटर चूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ टेस्ट की, तो देखिए स्कीम ऑफ टेस्ट में आपका पार्ट ए जो रहेगा, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, तो पार्ट ए में आपका जनरल इंटेलिजेंस रहेगा, इसके जो क्वेश्चन है 20 रहेंगे, जनरल अवेयरनेस 20, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी बेसिक ऑटोमेटिक इसके 20, और जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी बेसिक नॉलेज 20। तो देखिए यहाँ पे टोटल जो आपको है 20, 40, 60, 80 मार्क्स क्वेश्चन होगा, और ये जो टाइम आपको दिया जाएगा वो भी 80 मिनट्स का जो टाइम है वो दिया जाएगा। और जो निगेटिव मार्किंग इन क्वेश्चन लाइक इस एग्जाम में रहेगी, तो आपको यहाँ पे 0.25 मार्क्स का जो है लॉन्ग आंसर की निगेटिव मार्किंग भी यहाँ है, तो आपको जो है बहुत ही अच्छे से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए रिटेन के बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा, और जो स्किल टेस्ट का वेटेज रहेगा वो 20% मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो आपका रिटेन टेस्ट का जो रहेगा वो 80% रहेगा और 20% रहेगा आपका स्किल टेस्ट का वेटेज, और इसकी बेस पे ही जो है आपका जो है मेरिट प्रिपेयर की जाएगी, मेरिट लिस्ट, और उसके बाद ही जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ये जो पोस्ट है सारी जो है रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, ये कोई भी टेम्परेरी पोस्ट नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए इन्होंने सिलेबस यहाँ मेंशन कर रखा है जनरल इंटेलिजेंस का, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, और देखिए यहाँ पे जो सिलेबस भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो आप इस सिलेबस का प्रिंट आउट लेके आप जो है इसके थ्रू आप जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टेड है इस जॉब में, ठीक है। तो इसके बाद देखिए आपका एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड अगर आपका जब आ जाएगा, तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है, और साथ में आपको कोई एक जो है आईडी प्रूफ लेके जाना है, चाहे आप आधार कार्ड, चाहे वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब भी आप ले जाके जा सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक देखिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बताया, कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा और साथ में आपका स्किल टेस्ट होगा, और उसके बाद जो है आपका मेरिट बनेगा, और उसके बाद ही जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आई होप
मैंने जो भी चीजें बताई, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, आप लोग को अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए, आपको अगर आपको कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे फिनिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।